यस, वो लास्ट में हमारा ये वाला एक क्वेश्चन थोड़ा लास्ट पार्ट इसका रह गया था एंड वीडियो एंड हो गई थी, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो मतलब सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी वन है एंड सेक्स स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर सी भी वन है। हमें प्रूव करना है कि सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर सी वन है। दिस इज हाउ इट इज, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी। अब इसका एलएचएस अगर मैं देखूं सेक्स स्क्वायर ए, यहाँ से यूज कर लेता हूँ, चलो तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर बी, और टेन स्क्वायर सी को यहाँ से यूज कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर बी माइनस वन। अब ये माइनस माइनस प्लस, टू प्लस टेन स्क्वायर बी माइनस सेक्स स्क्वायर बी, और सेक्स स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी वन होता है, तो ये माइनस वन हो गया विच इज वन, तो ये आर एच एस के बराबर हो गया। तो हेंस इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, यस इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ये हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इन्हें थोड़ा डिस्कस कर लिया अबाउट रिलेशन ऑफ क्लास 12th, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड उसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। स्लोली स्लोली और अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे एंड फिर फंक्शंस पे मूव करेंगे, फिर मिक्स प्रॉब्लम्स इसके हम डिस्कस करेंगे। टिल देन यू कीप ऑन रिवाइजिंग एंड वी विल कम अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।